हाय फ्रेंड्स, मैं हूं असलम अहमद फोर्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल स्टेप्स में ग्लॉसी बटन किस तरह से बनाते हैं कोरलड्रॉ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं एक न्यू पेज लूँगा, उसके बाद एलिप्स टूल जो F7 शॉर्टकट की है, तो मैं एलिप्स टूल सेलेक्ट करने के बाद उसे यहाँ पर ड्रा करूँगा। ये एलिप्स राउंड शेप हो गया। मुझे इसके और दो डुप्लीकेट बनाने होंगे, उसके लिए मैं फर्स्ट एक शेप को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट, ये कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने और ये डुप्लीकेट आ गया है मेरे पास। फिर से मैं कंट्रोल डी सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो मुझे और एक डुप्लीकेट मिल जाएगा। कंट्रोल डी इट्स डुप्लीकेट। ये थ्री ऑब्जेक्ट्स हो गए सेम साइज़ के। तो फर्स्ट वन मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको कलर अप्लाई करूँगा ब्लैक, सेकंड रेड, थर्ड वन इज वाइट। ठीक है, ये हो गया। तो सारे शेप्स को नज़दीक लाता हूँ मैं। तो फर्स्ट रेड को पहले मैं सेंटर करता हूँ, रेड को पेज के पेज सेंटर इस पी पी फॉर पिकॉक पी प्रेस करने से पेज के साइज़ हो जाता है ऑब्जेक्ट पी। ये पेज के साइज़ जो साइज़ है पेज का, उसके सेंटर रेड कलर का ऑब्जेक्ट हो गया है। ब्लॉक को भी मैं पी कर दूँ, ये भी सेंटर हो चुका है, लेकिन ब्लैक को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद वाइट को भी मैं सेंटर करता हूँ पी, ये हो गया सेंटर। उसके बाद वाइट को भी थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, अब इस वाइट का मैं जो आउटलाइन है उसे रिमूव करता हूँ। यहाँ पर आकर राइट क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिक आउटलाइन रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट मैं ये जो टूल्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी टूल को मैं सेलेक्ट करके इस वाइट ऑब्जेक्ट के टॉप के ऊपर से मैं ड्रॉ करता हूँ सेंटर पॉइंट तक। ये देखिए, अब मैं इसे ड्रा करके छोड़ता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाता है वाइट का, और ये बटन का शेप बन चुका है। इसे और थोड़ा सा करने के लिए मैं इस ब्लैक को सेलेक्ट करके ड्रा करके यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ। ऐसे भी आप कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी, ब्लैक सेलेक्ट हो चुका है। इसे मैं यहाँ पर ग्रे 20% करता हूँ, उसका आउटलाइन निकाल लेता हूँ और थोड़ा सा इसे मैं बड़ा भी करता हूँ। उसके बाद इसे मैं पीस क्लिक करता हूँ तो पेज के सेंटर हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन इसको मैं पूरा पीछे करूँगा तो इस पर राइट क्लिक कर ऑर्डर पे जाएं, उसके बाद टू बैक ऑफ पेज पर क्लिक करें तो देखिए सारे लेयर्स के बाद आएगा, वो पीछे चले जाएगा। तो टोटली अभी तक ये बटन का लुक आ गया है। इसमें मैं और परफेक्टली होने के लिए पुश टैप करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करें। उसके बाद फॉन्ट्स में जाकर मैं एरियल ब्लैक लेता हूँ, सेंटर में करके वाइट कर देता हूँ। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी टूल को लेकर इस टेक्स्ट को भी मैं वही इफेक्ट दूंगा ट्रांसपेरेंसी का। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद मैं जब ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट है तो आपको प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर लाइनर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसमें जाकर यूनिफॉर्म करूँगा ताकि वो थोड़ा सा डल लगे। सेंटर का ये बन चुका है ग्लॉसी बटन्स। आप इस बेसिक से इस
सिंपल स्टेप से और दूसरे शेप्स के बटन भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।